आपने सही कहा कि मतलब एक स्कूल है, मागाम का हाई स्कूल, वहाँ टेंट शेल्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तपती धूप है, बड़ी मुश्किल हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक टेंट भी लगा है जिसमें 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उसमें आर्मी ने एक टेंट मुहैया किया है जिसके साए के तले वो पढ़ रहे हैं। लेकिन इमिजिएटली हमने परसों से कुछ उस मामले में चीज़ें देखी, कागजात देखे, तो हम लोगों ने आज, हम एक्जन साहब और मैं गए थे, तो हमारे पास एक बिल्डिंग आई हुई है जो हम वहाँ पे तामीर करेंगे। और वहाँ पे एक कुदरत की तरफ जो मदद हुई, एक प्लिंथ बना हुआ है जो कोई 10-15 साल पहले है, लेकिन कंक्रीट है, उसकी स्ट्रेंथ मौजूद है, उस पर ही काम स्टार्ट किया जाएगा। 4 कमरे की एक बिल्डिंग हमारी है, कोई 40-42 कमरे की, वो हम अगले कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे काम उस पर। तो मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में ये प्रॉब्लम उस स्कूल की हल हो जाएगी और जो बच्चे 200 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको अच्छी जगह मिलेगी, अच्छे क्लासरूम्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। जिस तरह आपने स्कूल की बात की है, तो शेखवाड़ा की बात है, शेखपुर की बात करें, वहाँ पे भी रेंट पे जो है बड़ा स्कूल है, तो क्या वहाँ पे भी आने वाले बच्चे क्या मिलेंगे? बहुत सारी बिल्डिंगें हमने देखी हैं जो बड़े स्कूलों में बड़ी डिफरेंट पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन के वजह से थोड़े बिजी थे, काउंटिंग का जो दिन निकल जाएगा उसके बाद आप देखेंगे एक एक स्कूल की अपनी मैपिंग होगी, सर्वे होगी, किस में ज़्यादा बिल्डिंगें हैं या और किस में ज़रूरत इमीजिएट की हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को और ड्यूटी के गवर्नमेंट को लिखेंगे, उनसे विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जहाँ स्कूल सफ़र कर रहे हैं, बच्चे अकोमोडेशन के लिए सफ़र कर रहे हैं, वहाँ वहाँ हमारी तरजीह होगी, प्रायोरिटी होगी कि उन बच्चों को प्रॉपर अकोमोडेशन, एडिक्वेट अकोमोडेशन मिलने चाहिए। स्कूलों का चक जो है, स्कूलों की तो प्रायोरिटी है, वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है, किसी भी एंगल से देख लीजिए स्कूल का काम हमारा इंपॉर्टेंट काम रहेगा, उसमें चेक करना भी लाजमी है। और क्लस्टर लेवल पे जो रैशनलाइजेशन उनको दी गई है करने के लिए स्टाफ की, उसमें भी हमने उनसे गुजारिश की है, सीओ साहब से गुजारिश की है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान जो क्लस्टर के हेड होते हैं उनको रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जो स्टाफ की रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, उसमें हम भी देखेंगे ताकि जो सभी बच्चे हैं, सब बच्चों को सभी सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ाए जाए, ये हम इंश्योर कर लेंगे। प्राइवेट स्कूल की बात करें, ओवरलोडिंग ज़्यादा होती है बसों में, छोटी गाड़ियों में, जहाँ 10 वहाँ 15 है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या? अगर आप कहीं पे निशानदेही करेंगे किस स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं जिनका हक बैठना है 3 का सीट पे या 4 का, तो वहाँ पे 5 या 6 बैठे हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे इस तरह की चीज़ें, हमारी नोटिस में लाएंगे, आप देखेंगे उनके खिलाफ जो भी ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी वो ज़रूर होगी, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के साथ, बच्चों की सेहत के साथ, बच्चों की सहूलियत के साथ कंप्रोमाइज़ करने की इजाज़त ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को दी जाएगी, ना प्राइवेट स्कूल ओनर्स, ना प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट को दी जाएगी, उसमें हम सख्ती से कदम लेंगे। जो भी यहाँ पे है ये स्कूल का है, यहाँ भी नहीं, जो आप यहाँ सारे में, वो आप सारा जाएगा।